हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे आज अडानी के स्टॉक से रिलेटेड, और वो भी केवल एक स्टॉक से रिलेटेड। इसका नाम है अडानी टोटल गैस। आप यहाँ पर देख रहे होंगे अडानी के स्टॉक्स में आज तेजी देखी गई, और जैसे ही स्टॉक्स में तेजी होने लग जाती है तो लोग खरीद लो कि यहाँ पर रट लगाने में बैठ जाते हैं। मैं हर एक के ऊपर तो आज बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आज ATGL के से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद एक एक करके दोबारा इनसे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और जो पहले बताया था वो एग्जैक्टली होता हुआ नजर आया। तो ATGL मतलब अडानी टोटल गैस एग्जैक्टली क्या है, क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो अडानी टोटल गैस है क्या, और एग्जैक्टली अडानी टोटल गैस में क्या चलता हुआ नजर आ रहा है, और आपको क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस शेयर में एक बेहतरीन गिरावट का मतलब अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये शेयर आपको लगभग लगभग 82% 80% 83% यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ चुका है। और काफी लोग जब इस तरीके की गिरावट हो जाती है तो क्या करते हैं, शेयर को बाई करने के बारे में सोचते हैं, राइट? आप भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर स्टॉक्स को बाई करने के बारे में सोच रहे होंगे, विदाउट थिंकिंग कि यहाँ पर बिजनेस मॉडल कैसा है, विदाउट थिंकिंग कि क्या न्यूज चल रही है। बस उन्हें यहाँ पर ये स्टॉक्स जो यहाँ पर कभी 4,000 रुपए प्लस चलता था, आज उन्हें 678 रुपए का मिल रहा है इस वजह से। तो एग्जैक्टली करना क्या है और क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो किसी को नहीं पता, और बहुत पता भी है तो बहुत कम लोगों को पता है, और बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं, और जिसने भी इस चीज को फॉलो किया है, ठीक है, वहां पर रिटर्न बनते हैं। जैसे कि हमारी वीडियोस में हम शेयर बताते हैं तो भागते हुए नजर आते हैं। क्यों भागते हुए नजर आते हैं? मार्केट डाउन है, बट यहाँ पर पैरामाउंट देख लीजिए, RKEC देख लीजिए, दोनों भाग रहे। क्यों भाग रहे? रीजन है उसके पीछे का, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस तरह की वीडियो मिले। शेयर करें, आपका प्यार ऑलरेडी मिल रहा है, बट और एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो चैनल है और ज्यादा ग्रो करे, अच्छे खासे रिटर्न हम यहाँ पर बनाए, अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए, आप लोगों के लिए बनाए, अच्छी अच्छी वीडियोज हम लाते रहे। एज वेल एज आपको पता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है वेल्थ क्रिएटर। यहाँ पर देखिए स्टॉक्स की तरफ आके बनाए रखिए, 5% अप, ओके, कीप योर स्टॉक्स फॉर द 1 ईयर, ओके, एज वेल एज यहाँ पर ये स्टॉक्स 8% अप, कल 5% अप था, 5% अप अगेन, ओके, फिर कुछ राय भी देते हुए नजर आते हैं। एज वेल एज यहाँ पर देखोगे तो कल स्टॉक्स दिया था स्टॉक टू वॉच टुमारो, ओके, देयर इज नो इंटरनेट, तो मैंने ये बताया था चार्ट कल शेयर करूंगा, बट 12% का अप देखिए वेल्थ क्रिएटर ग्रुप। तो यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, वो भी मिनिमम फीस क्या है, 1000 रुपीज पर मंथ की फीस है, और 8860540501, 8169261037, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, और बेहतरीन पैसा यहाँ पर स्टॉक्स के थ्रू कमा सकते हो, राय ले सकते हो हमारी। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके किसी भी स्टॉक्स में लगा दिया, ओके, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर जैसे 40 लाख लोग भागे हैं ना स्टॉक मार्केट से, रिटेल इन्वेस्टर ही भागे हैं, फिर दोबारा आप भी उनमें से शायद एक हो सकते हो। तो सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए सीखने के लिए कोर्स भी जरूरी है, टेक्निकल बेसिक्स टू एडवांस रिसर्च फंडामेंटल। इस कोर्स के करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि आप कहोगे कि अगला जो राकेश झुनझुनवाला है, बिग बुल है, मैं ही बन सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए कोई बड़ी अमाउंट से नहीं, छोटी अमाउंट से, वो भी ऑनलाइन नोट स्ट्रेटजी मार्केट में यूज होती है, 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल है, 1-to-1 कोर्स है, 15,000 का कोर्स है, बट आज 28 तारीख है, 1 तारीख है शायद कल, और कल से ये कोर्स 17,500 का हो जाएगा, ओके, तो आप चाहो तो आज बुक करा के एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज कल से 17,500 का कोर्स है। हमने काफी टाइम से इस फीस पे चल रहे, बट आगे थोड़ी सी फीस बढ़ेगी, यहाँ पर लोग ये केवल एक चीज कराने के बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, हम यहाँ पर थोड़े ही चार्ज कर रहे हैं। ATGL अडानी टोटल गैस क्या है यहाँ पर शेयर, शेयर की बात करें तो देखिए 74,450 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है, पी आज भी 148 है, इंडस्ट्री का पी 12 का, तो आज भी बहुत ज्यादा महंगा है। बुक वैल्यू 24 रुपीज की, कल को अगर कंपनी बंद होती है तो आपको केवल 24 रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। ROE काफी बेहतरीन है, ओके, एज वेल एज मैक्सी एंड चार्ट पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पर, शेयर यहाँ पर अच्छा खासे रिटर्न भी दिया है इसने जब शेयर को लेना था। ऐसा नहीं है कि जब शेयर को लेना था तो हमने वीडियो नहीं बनाई, यहाँ पर होम पेज पे ही हमने एक वीडियो लगा रखा है, ओके, यहाँ पर देखिए क्या उनसी है अडानी टोटल गैस। एक साल पहले यहाँ पर बताया था 350 रुपए का स्टॉक्स था, मुझे भी पता है क्योंकि मैंने ही बाय किया था, और 900 रुपए पे लगभग हमने यहाँ पर 150 अच्छा खासा रिटर्न कमा के, ओके, मैंने यहाँ पर ये शेयर को निकाल दिया था, तो इसलिए मुझे पता है, आज भी याद है। और उसके बाद ये शेयर ऐसा नहीं है रुक गया और भागा, तो यही चीज है जो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो सही टाइम पे लेना, सही टाइम पे बेचना एक एक कारीगरी होती है,
ओके और ये सीखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर एक कोर्स को करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अपनी हार्ड कोर मनी जो आप यहाँ पर कमाते हो ला ला के यहाँ पर स्टॉक मार्केट में डाल दिया और फिर चीजें नीचे आई और आप फिर भाग में लॉस बुक करके निकलते रहते हो और कहते हो कि स्टॉक मार्केट क्या है, गैम्बलिंग है, ऐसा नहीं करना। एज वेल एज यहाँ पर देखिए कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है कंपनी का। ओके यहाँ पर मार्जिन थोड़े कमा रहे हैं बट कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर बिहेव करती हुई नजर आ रही है और इसी के बल पे यहाँ पर आप देखेंगे कभी यहाँ पर अच्छे खासे मार्जिन आते तो और इसी बेसिस पे यहाँ पर शेयर बहुत ज्यादा यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। बट शेयर एक की एक फेयर वैल्यू होती है, उस चीज को हमेशा याद रखना। मुझे नहीं पता अडानी में क्या न्यूज चल रही है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मुझे उस चीज से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अपने टेक्निकल से, मुझे मतलब है उसके फंडामेंटल से। ओके और इसलिए मैं फंडामेंटल और टेक्निकल, फंडो टेक्निकल पे काम करता हूँ और उसके बेसिस पे जब स्टॉक्स देता हूँ तो बूम करते हैं। हमने मोलटेक दिया 175% के रिटर्न 3 महीने में, पोनी रॉय 90% के रिटर्न कितने 3 महीने में, 45% के रिटर्न पैरामाउंट कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्टडी के बेसिस पे कैसे काम करते हैं शेयर, उसके बेसिस पे हम ये काम करते हैं, इसलिए शेयर भागते हैं। और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। रिजर्व्स है कंपनी के पास, डेट एज कंपेयर अगर हम बात करें यहाँ पर कमी है 45% का डेट है, तो कंपनी यहाँ पर अच्छा नजर आती है, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर बिहेव कर रही है। 1500 करोड़ रुपए यहाँ पर बात करें वर्किंग प्रोग्रेस में लगा रखे है, 400 करोड़ का कैश भी है कंपनी में। अडानी ग्रुप के पास ही मोस्टली शेयर है, FIIs है जो निकले होंगे, DIIs के पास अभी भी है। पब्लिक के पास बात करें, पब्लिक के पास 1.85 है, LIC के पास 5.96% के शेयर है। और LIC से रिलेटेड हम बात करेंगे बहुत जल्दी और वीडियो बनाएंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि शेयर नीचे आया तो क्या होता हुआ नजर आएगा, एक बार दोबारा बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सब कुछ होता हुआ नजर आया, तो क्या है धीरे धीरे इसके नंबर कम आया प्लस में रिजल्ट प्लस में कंपनी शेयर महंगा हो गया, तो इसलिए चीजों को नीचे आना था। न्यूज की बात करें देखिए भारत की यही कमी है, ठीक है यहाँ पर ये दो चार लोग आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, ओके जो सड़कों पे बैठ जाते हैं और फिर कर्ज करने लग जाते हैं। अगर हम बात करें किसी नेता की तो आप यहाँ पर देख सकते हो दे डोंट जनरेट, अगर हम बात करें मोदी साहब को हटाने के बाद वो यहाँ पर नहीं पैदा करते रोजगार, बट यहाँ पर ये लोग पैदा करते हैं, तो हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ये कल को यहाँ पर ये बंद हो जाता है तो लाखों लोगों की यहाँ पर जॉब जाएगी और जब उनकी जॉब जाएगी तो किसे यहाँ पर पे करना होगा वो आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो बेवकूफों के पीछे नहीं, ओके समझना चाहिए। और हमारे हम जब आगे कोई बढ़ रहा होता है तो उसके लैग नहीं पकड़ के पुल करना, सिंपली उसकी मदद करनी है। तो मुझे लगता है मोदी सरकार को और इनकी हेल्प करनी चाहिए जितनी हो सके, अच्छे लोग है। एज वेल एज यहाँ देखिए 79 मिलियन डॉलर का यहाँ पर ये लोन यहाँ पर पे करने वाले हैं मार्च में। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो इनकी ऑस्ट्रेलिया में माइंस है वो यहाँ पर शायद ये गिरवी रखेंगे और उसके बाद ये काम करते हुए नजर आएंगे, तो वो छोड़ देते हैं। तो ATGL की बात करें, स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री और ये स्टेज फोर में चल रहा है। स्टेज फोर में जब चीजें चलती है तो उसे पकड़ना नहीं होता, उसे छोड़ देना होता है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। अगर कल को यहाँ पर मान के चलिए अभी लोअर सर्किट चल रहा है, हमारे टारगेट थे जो वो सारे टारगेट अचीव हुए, ऊपर जाता भी है तो याद रखिए थोड़ा सा टेम्परेली पुल बैक होगा, शायद 20-30-40% के रिटर्न बन जाए, बट फिर आपको ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई देगा। स्टेज फोर के बाद स्टेज वन चलती है तो इसलिए हमें टच नहीं करना है, बट स्टेज टू में जब ऐसा दोबारा शुरू होगा तो हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे, उसमें यहाँ पर आप बोर्ड हुईएगा ऑनबोर्ड हुईएगा फिश यहाँ पर अच्छे रिटर्न यहाँ पर कमाइएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती है। एज वेल एज यहाँ पर देखिए चीजें नीचे आ रही है, आने दीजिए ओके। और जिस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती है, ऑपरेटर है इसमें, मेरा टारगेट अब अगला यहाँ पर 500 रुपए के आसपास का है, यहाँ पर टूटता है तो फिर यह पर 300-350 पे आ सकता है और फिर 171 पे भी आ सकता है। बट कंपनी क्या बेकार है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी में बहुत ज्यादा कैलिबर है, यहाँ पर काम कर रही है हर जगह पर। इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पर CNG PNG जो भी है ये यूज कर रहे हैं, अच्छे खासा यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतरीन प्रमोटर्स, बेहतरीन FIIs, बेहतरीन यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, बेहतरीन नंबर, सब चीज अच्छे खासा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर बस ये न्यूज है, इस वजह से चीजें नीचे आ रही है। अदरवाइज शेयर भी महंगा हो गया था उस वजह से नीचे आ रही है, बट लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर हम बात करें जब 1-2 साल बीत जाएंगे ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता ये स्टेज वन में कितने टाइम तक घूमेगा, उसके बाद जब शेयर भागेगा तो अच्छा खासा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो अच्छा शेयर है, अडानी ग्रुप भी अच्छा है ओके। भागना होता तो भागने विजय माल्या अभी तक भाग के मजे कर रहा है, बट इन्हें नहीं भागना, दे आर अ रियल अगर बात करें काम करने वाले लोग हैं, जब अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, नंबरों पे कांटेक्ट करके कोर्स एज वेल एज यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए ताकि यहाँ पर
आपके पैसे बनते हुए नजर आए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।